हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज बनाते हैं संडे स्पेशल लंच थाली। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल और फ्लेम हाई रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। और इसमें डालूंगी मैं जीरा, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जीरा ब्राउन हो चुका है और यहाँ पर मैं ले लूँगी धुली अरहर की दाल। धुली मीन्स मैंने इसे 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। हल्दी, मिर्च और नमक, ये दाल बहुत टेस्टी दाल बनकर तैयार होगी। ये एकदम जैसे ट्रेडिशनल बनती है, जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं, वो इसमें हरी आमी यूज करती हैं। मैं मसाले वाली आमी यूज करके बना रही हूँ। तो इसे इस तरीके से बनाना है और बहुत अच्छी दाल लगती है। आप इसको रोटी पराठे या चावल के किसी के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपके घर पर जल्दी से झटपट तो मतलब आपको बनाना है कोई, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप इस थाली को बना सकते हैं, यहाँ पैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 ग्लास पानी और एक बार इसको अच्छे से चला देती हूँ। ये सारे मसाले एक बार मिक्स हो जाएंगे और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी डालेंगे। अभी सिर्फ इतना ही पानी डाला है और अब इसे मैं लीड से कवर कर दूंगी। मैं पहले 2 सीटी आने देंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी है और अभी मैं 1 सीटी और लगाऊंगी क्योंकि इतनी जल्दी दाल नहीं बनी होगी। तो इसमें 1 सीटी और लगा देते हैं। यहाँ तो पानी भी बॉईल हो गया है, अगर कम पानी पड़ेगा तो हम इसमें बॉईल पानी ही डालेंगे, इससे हमारी दाल जल्दी कुक हो जाएगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है। अगर दाल में पानी कम पड़ जाए तो आपको पानी बॉईल करके ही डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सीटी भी आ चुकी है और अब हम फ्लेम ऑफ करके दाल चेक कर लेते हैं। अभी भी दाल अच्छे से कुक नहीं हुई है, अभी मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ और 2 से 3 सीटी अभी हम और लगाएंगे। फ्लेम ऑन कर देते हैं। तीन सीटी लग चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल बन चुकी है और अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मैं मसाले वाली आमी डाल रही हूँ और आप चाहे तो जो साबुत आमी होती है या फिर हरी आमी होती है, आप उनमें से भी कोई भी आमी डाल सकते हैं, लेकिन इस आमी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये आपको दाल बनने के बाद ही डालनी है। कोई भी आमी अगर आप पहले डाल देंगे तो आपकी दाल कुक नहीं होगी, क्योंकि जब हम खट्टी चीज़ें पहले डाल देते हैं तो हमारी दाल कुक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। साथ में मैं डाल रही हूँ दोबारा से पानी, 1 ग्लास, 1 से 1.5 ग्लास करीब, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। दाल बन चुकी है और इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है और इसमें ये मसाले वाली जो आमी डाली है इसकी वजह से हमें कोई दूसरे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है और हमें दाल ऐसे ही रखनी है। तो चलिए अब दाल हटा देते हैं, अब बनाते हैं कटहल की सब्जी, बाद में इसमें धनिया से गार्निशिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्लेम ऑन करके यहाँ पे रख देंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे तेल, और इस सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ
मस्टर्ड ऑयल, आपके घर में कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक फ्रेंड्स तेल गर्म हो रहा है तब तक थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, तो उनको अगेन मैं थैंक्स बोलती हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो लोग भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पर काट कर मैंने जो कटहल रखा हुआ था उसको इसमें छोड़ दूँगी तेल के अंदर, और इसे अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और ये जो सीड्स हैं ये भी इसमें डाल दूंगी, तो सीड्स आप ऐसे अलग करके छील कर ही डालें, क्योंकि इनमें जो एक लेयर बन जाती है इनमें एक ट्रांसपेरेंट सी, जो कि खाने में मतलब अच्छी नहीं होती है, वो हमसे चबाई नहीं जाती है। तो इस तरीके से आप ये सारे सीड्स अलग करके छील कर ही डालेंगे, तो आपको फिर बाद में खाते टाइम उसे हटाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, और इसे मैं अब अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इस कढ़ाई को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पर बनाऊंगी मैं चावल। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है प्रेशर कुकर को, और इसमें डालूंगी मैं रिफाइंड ऑयल। वैसे मैं देसी घी में बनाती हूँ और आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप देसी घी में ही बनाएं, पर अभी देसी घी ख़त्म हो रखा है तो मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ। और यहाँ एक चम्मच मैंने तेल डाल दिया है, और फ्लेम हाई कर रखी है, और अब मैं इसी में जीरा डाल देती हूँ। तो हम बना रहे हैं फ्रेंड्स जीरा राइस। तो हमेशा ही मेरे घर पे कड़ी छोले राजमा किसी कुछ भी हो, मेरे घर पे जीरा राइस ही बनते हैं, बच्चों को यही पसंद आते हैं। आप चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं या कोई अपनी फेवरेट सब्जी भी डाल सकते हैं, मैं सिंपल बना रही हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर कटहल भुन रहा है, तो जीरा भुन चुका है। यहाँ पर डाल देती हूँ मैं चावल, जो कि मैंने आधे घंटे पहले धोए थे, एक ग्लास चावल। और इसी में लेकर डाल देती हूँ पानी, एक बार चला देते हैं। अब मैं डाल दी नमक, आधी चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक दाल में भी नमक है, तो यहाँ पर नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। और एक बार इसको फिर से चला देते हैं, और अब डाल देती हूँ पानी। पानी जो हमारे चावल हैं, अगर जैसे कि आप एक ग्लास चावल ले रहे हैं तो डेढ़ ग्लास पानी में डालती हूँ, और बाकी आपके चावल आप कौन से क्वालिटी के ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो जितने चावल हैं उससे एक से डेढ़ इंच ऊपर पानी होना चाहिए, ज़्यादा पानी ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं हाई फ्लेम पर लगा दूँगी 3 सीटी। इधर कटर की तरफ देख लेते हैं, तो कटहल फ्रेंड्स भुन चुका है, इसे हम फ्लेम ऑफ करके हटा देते हैं, निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 सीटी लग चुकी हैं और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब आप इसको एकदम से नहीं खोलेंगे प्रेशर कुकर को, आप इसकी जो इसमें जो प्रेशर बनाया है उसको ना अपने आप रिलीज होने देंगे, और उसके बाद इसको आप खोलेंगे। अगर उससे पहले खोलेंगे तो आपको चावल थोड़े से स्टिकी लगेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर बना रही हूँ मैं रायता, तो मैंने ले लिया है दही, और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी पुदीना की पत्ती और एक हरी मिर्च, और इसको मैं ऐसे ही ब्लेंड कर लूँगी, और इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी।
तो पहले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये खीरा ले लिया है, इसको मैंने कस लिया है, घी एक उसमें ग्रेट कर लिया है। तो अब इसमें मैं ये जो देखिए मैंने इसमें पानी नहीं ऐड करा था क्योंकि खीरे में अपना भी पानी होता है तो फिर ज़्यादा पानी पानी हो जाता। तो इसमें मैं काली मिर्च ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले ही इसमें पीस ली है, और पुदीना भी, पुदीना का फ्लेवर आते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। ऊपर से मैं इसमें भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ और नमक मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि नमक डालने से रायता जो होता है खट्टा हो जाता है, तो जब हम सर्व करेंगे तभी नमक डालेंगे। चलिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ और इधर मैं चावल की लीट जो मैंने चावल बनाए थे वो देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो ये रिलीज़ हो गई थी, इसका प्रेस रिलीज़ हो गया था और चावल भी बन चुके हैं और काफ़ी खिले खिले चावल बने हैं। तो अगर आपके चावल मतलब ठंडे होने के बाद आपस में चिपक जाते हैं तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच दही सॉरी घी या फिर मक्खन डाल सकते हैं। मैं इसमें मक्खन डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे चावलों का अच्छे से कोट हो जाए। और यहाँ धनिया से मैंने गार्निशिंग कर दी है, और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये ठंडे होने के बाद भी खिले खिले रहते हैं। तो इनको मैं कवर करके रख देती हूँ और अब मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। तो जो हमने जिस तेल में हमने कटहल फ्राई किया था मैं वही तेल यूज़ कर रही हूँ, और इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। और जीरा क्रैक होने के बाद मैंने क्या करा था, दो टमाटर और मीडियम साइज़ के और दो प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनकी मैंने प्यूरी एक साथ बना ली है। तो ये प्यूरी मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें ही मैं डाल दूँगी सारे मसाले। तो यहाँ मैं मिर्च डाल रही हूँ और ये गरम मसाला डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं नमक डाल दूँगी। हल्दी भी डाली है फ्रेंड्स मैंने, वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूँ हल्दी का, तो हल्दी भी डालनी है आपको। और इसमें ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा कोई हाई फाई मसाले मैं नहीं यूज़ करने हैं, तो इसमें बस यही 2-3 मसाले जो रेगुलर यूज़ होते हैं मैंने बस वही डाले हैं। और लीड को मैंने ऐसे ही कवर कर दिया है, मैंने ढक्कन अभी नहीं लगाया है, सिर्फ मैं अभी मसाला भून रही हूँ। तो ये बस तेल अलग हो गया है, अब मैं इसमें जो हमने कटहल भूना था वो डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कटहल में आप छोटे छोटे पीस ही काट कर रखें, अगर बड़े पीस कर देंगे तो जो मसाला होता है ना उनके अंदर तक इंसर्ट नहीं होता है, तो इसलिए छोटे छोटे पीस ही करें, बड़े बड़े पीस कटहल के ना करें। इसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया है और इसमें मैं 1 से 2 सीटी लगा लूँगी। इसमें बिल्कुल भी अब पकने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही इसको फ्राई कर लिया था, कटहल वैसे भी सॉफ्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा कटहल बन चुका है और काफ़ी अच्छा बना है, एकदम इसमें जैसे लटपट हो गया है ग्रेवी में, काफ़ी अच्छा कलर भी आया है। और इसमें मैंने कोई देगी मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करी है, नॉर्मल मसाले यूज़ करे हैं। तो अभी इसमें मेरे को थोड़ा सा पानी लग रहा था, तो अभी मैंने इसको खोल कर 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाऊँगी। आप चाहे तो ऐसी ग्रेवी भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे और पकाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये डन हो चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसमें धनिया भी डाल दिया है, अभी इसे साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो क्रंची अनियन होती है वो, तो जो रेस्टोरेंट स्टाइल होती है, तो मैंने ये फ्रिज में स्टोर करके रखी थी ठंडे पानी में 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने एक स्लाइस काट ली थी, अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तो इन्हें आपको इस तरीके से निकालना है ताकि पानी ना आए। और सारी प्याज निकालने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं देगी मिर्च कलर के लिए, आपको पता है ये कलर के लिए यूज होती है, तो आप देगी मिर्च ही डालें वरना तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी हो जाएगी। साथ में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। तो ये हमारी जो रेस्टोरेंट में मिलती है ना ये क्रंची क्रंची अनियन, तो ये हमारी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा और आटे में मैंने डाला है अजवाइन और नमक। तो इसकी मैं बना लेती हूँ पराठे, तो आप किसी भी शेप के पराठे बना सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी गोल पराठे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इस रोटी के इस सब्ज़ी के साथ तंदूरी नान या फिर तंदूरी रोटी बना सकते हैं या फिर सिंपल रोटी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ रोटी या नान। तो इस तरीके से मैं इसको चारों तरफ से सेक रही हूँ और ये पराठा बनकर हमारा डन हो गया है। इसी तरीके से मैं और भी बाकी के पराठे बना लूँगी।
फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर रायते में नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसमें मैं भुना हुआ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। उसका फ्लेवर और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं साथ में, और यहाँ पे थोड़े से धनिया से गार्निशिंग करेंगे। अभी हमारी थाली तैयार हो गई है, तो यहाँ पर मैं रायता ले रही हूँ, और फिर दाल, और अब कटहल की सब्जी, और अब रखूँगी मैं यहाँ पे पराठे, और साथ में ये अनियन। तो फ्रेंड्स ये जो पराठे हैं देखने में आपको ऐसे लग रहे होंगे, वरना ये मक्खन में नहीं हो इसलिए ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि ये अच्छी तरह से नहीं सीखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मक्खन की वजह से ये ऐसे लग रहे हैं। और आपको मेरी थाली रेसिपी कैसी लगी, संडे थाली रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।